जिस शैतान को आपके सामने, हमारे कैंडिडेट के सामने जिस शैतान को भेजा, और आप ही के मीडिया के माध्यम से लगातार हमने देखा है कि क्या क्या उनके कारनामे हैं। दरभंगा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के सामने जो उम्मीदवार हैं, वो शैतान हैं, उदंड हैं, उनके कारनामे जग जाहिर हैं, और ऐसे शैतानों को जनता सबक सिखाएगी। कहीं न कहीं ये बड़ा और सीधा हमला है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन का राजद प्रत्याशी ललित यादव पर। बुधवार को भाजपा के प्रधान चुनाव कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने राजद, कांग्रेस, ओवैसी सहित सभी विपक्षी दलों को आरे हाथों लेते हुए करा प्रहार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए पूरी बात सुनाते हैं। अभी दरभंगा में बैठे हैं, पूरे देश की बात तो बाद में करेंगे, अभी हम दरभंगा की बात करते हैं। जिस शैतान को आपके सामने, हमारे कैंडिडेट के सामने जिस शैतान को भेजा, और आप ही के मीडिया के माध्यम से लगातार हमने देखा है कि क्या क्या उनके कारनामे हैं, तो ऐसी शक्तियों को भगाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक मापदंड स्थापित किया है कि हमारा न कार्यकर्ता उदंड है, न हमारा कार्यकर्ता शैतान है, हमारा कोई प्रत्याशी शैतान और उदंड है। तो शैतान कौन है ये सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है ना। तो ओवैसी, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग, कांग्रेस के तमाम लोग, बाकी जो छोटे मोटे जितने भी पार्टियां हैं, सब के सब वर्सेस मोदी। तो कहा भी गया है ना कि जब पूरा विपक्ष एक हो तो समझ लो राजा कहीं ना कहीं ईमानदार है। तो एक ईमानदार प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी, हम इसका बहुत विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और ओवैसी जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब मत बोलना, ये सब उनको सूट करता है, वो बोलते हैं, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। सर, एक बिहार में पूर्णिया सीट है, जहाँ के मंच से तेजस्वी यादव ने कहा था यहाँ पे दो विचारधारा की लड़ाई है, या तो इंडिया है या फिर एनडीए है, तीसरी कोई विचारधारा नहीं है। क्या पप्पू यादव पूर्णिया सीट, या जो यूँ कहें कि बिहार के वो हीरो बन रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव जी हीरो बने या नहीं बने, हम इस बात की ना खंडन करते हैं ना पुष्टि करते हैं, लेकिन पूर्णिया से हमारे एनडीए गठबंधन के, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जी हैं। भारी मतों के अंतर से उनकी विजय होने वाली है। मैं अभी गया भी था दो दिन पहले पूर्णिया आप ही लोगों से मिलने के लिए, तो बहुत भारी मतों से, और राष्ट्रीय जनता दल का तो वहाँ आधार खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। निश्चित रूप से अगर लालू यादव का परिवार कहता है कि हम यादवों के नेता हैं, तो पप्पू यादव के मामले में तो लालू यादव का ढोल पिट गया। उन्होंने जितनी भी आज तक झूठ के पुलिंदे बांधे कि हमने यादव, हालांकि उन्होंने यादवों के लिए किया कुछ नहीं, किया अपने परिवार के लिए। कुछ होना हो तो पहले साला को मिलता था, फिर पत्नी को मिला, फिर बच्चे आ गए, अब बच्चियाँ भी आ गई हैं। तो अब बाकी जो पांच महीने हैं, हम लोग चाहते हैं वो भी जल्द से जल्द आ जाए राजनीति में, ताकि उनका अपना बड़ा कुनबा और बड़ा हो। बाकी कार्यकर्ता तो अब उनसे विमुख हो रहे हैं। अभी पूर्णिया आप जाकर के पता करें पूर्णिया की क्या स्थिति है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि पूर्णिया में जो आधार खिसका है, इसकी वजह से, बल्कि पूरे बिहार में जो आधार खिसक रहा है, इसकी वजह से युवराज का भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो एनडीए को वोट देने के लिए कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी मन ही मन ठान लिया है कि जनता एनडीए के साथ है, इसलिए वो भी इन बातों को बोल पा रहे हैं, बोल जा रहे हैं। तो पप्पू यादव की लड़ाई को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, पप्पू जी की अगर बात करें तो पप्पू जी की लड़ाई, अगर मैं ऑफ द पॉलिटिक्स बात करूँ, तो वाजिबन पप्पू जी का हक था उस सीट पे। जिस तरह से कांग्रेस ने उनको चीट किया, तो ये तो कांग्रेस चीटर है राष्ट्रीय, या तो फिर कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के सामने घुटने टेक चुकी है। तो
ऐसी पार्टी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं भाई, जो राष्ट्रीय एक क्षेत्रीय पार्टी के सामने जिसने घुटने टेक दिए, वैसी पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो पप्पू यादव के साथ तो अन्याय जरूर हुआ है और अन्याय का जवाब भी वहाँ की जनता देगी, लेकिन क्या है, जनता साइमल्टेनियसली एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेगी, चूँकि विकास यहाँ है, प्रगति यहाँ है, उत्थान यहाँ है, आयुष्मान कार्ड यहाँ है, सीमा सशक्त यहाँ हुई है, घर घर अनाज यहाँ से मिल रहा है, हम लोग रोज़गार की गारंटी दे रहे हैं, तो सारी अच्छी चीज़ें यहाँ हैं, तो क्यों पब्लिक वैसे डोमेन में जाना पसंद करेगी। तो कुल मिला के हमारा जो टारगेट है पूरे देश में 400 पार और बिहार की 40 सीटों पर हमारा कब्जा 4 जून को निश्चित रूप से दिखेगा, और इसी मंच से फिर हम लोग बात करेंगे और बधाइयां बांटेंगे। आखिरी सवाल, समस्तीपुर का मैच बहुत रोमांचक हो गया है, जदयू के दो वरिष्ठ नेता के संतान आमने सामने। देखिए, संतान आमने सामने हैं तो इसमें वो वयस्क हैं, वो चुनाव लड़ने के योग्यता रखते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं आमने सामने, लेकिन विजयश्री सिर्फ और सिर्फ एनडीए के कैंडिडेट को होगा। क्या उन लोगों का आपसी मामला है, ये न मैं इस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ और न मुझे कुछ इसकी जानकारी है। सन्नी हजारी जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और शांभवी एनडीए के उम्मीदवार हैं। एनडीए के साथ जनता का विश्वास, प्यार और आशीर्वाद है, हम 40 सीट जीतेंगे।